लास्ट बट इम्पोर्टेंट फंक्शन कंट्रोलिंग, है ना। आपने फर्स्ट पढ़ा प्लानिंग, फिर आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा पढ़ा स्टाफिंग, फोर्थ पढ़ा डायरेक्टिंग, और फिफ्थ पढ़ा आपने, अब पढ़ोगे कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग में आपने प्लान बना दिया, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बहुत बच्चे नहीं बता पाते, लिख नहीं पाते। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब देखते हैं वो समझते हैं कि कोई ना कोई एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है या उसमें लोग काम कर रहे हैं। अब आप लोग एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया आपने कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ठीक है। स्टाफिंग पर वो सारे फिल किए जाएंगे जो आपने क्रिएट की गई है। फोर्थ में डायरेक्शन दे दिया, चारों चीज़ें आ गई। कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग कौन कौन से थे, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सुपरविजन, ये पढ़ा था आपने, ओके। उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एंड रिजल्ट, जो पांच फंक्शन है इनमें जब पांचों का ही होता है लेकिन मेनली आपका डायरेक्टिंग का रिजल्ट होता है, इसलिए उसको एसेंस और सोल ऑफ द मैनेजमेंट बोलते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट की वजह से वो बन के आता है। और लास्ट आया कंट्रोलिंग। अब आप ये देखोगे जो प्लान में आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो आपके अकॉर्डिंग, यानी जो डिजायर्ड आउटकम्स थे और एक्चुअल आउटकम, उनमें कोई डिफरेंसेस है, डेविएशन है या सेम आ रहे हैं। कंट्रोलिंग का बस मेन फंक्शन ये होता है कि जो आपने एक्चुअल जो रिजल्ट्स आए हैं और जो आपके डिजायर रिजल्ट है उनमें कितना डेविएशन है, सेम है या नहीं है। समझ में आई कंट्रोलिंग का मतलब, बस ब्रीफ में एक ही मीनिंग है इसका कंट्रोलिंग में, कि आप ये चेक करना चाहते हो कि जो डिजायर रिजल्ट्स है और आपके एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उसमें कितना डेविएशन है। अगर कोई डेविएशन मिल गया है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा, डेविएशन कितना परसेंट आपको अलाउड होता है, कितना परसेंट आपको अलाउड नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी, आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, ओके। तो अब देखो एक ये देखो इसकी ये क्या लिखा है, ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट्स टू द डिजायर रिजल्ट। हमने क्या कि डेविएशन फाइंड आउट करना, प्रोसेस भी इसकी यही है, हम देखेंगे अभी प्रोसेस में भी। एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर रिजल्ट में उनको क्लोज लेके आना, कम मतलब एक जैसे बन जाए, इसलिए आपकी कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। दो तरीके का कंट्रोल होता है आपका, एक तो मैनेजर लेवल पे और एक आपका ऑपरेशनल पे। मैनेजर लेवल पे मतलब जब प्लानिंग आप कर रहे हो, मैनेजमेंट आपका जो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है ऑपरेशनल, ऑपरेशनल का मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते दौरान, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी आपकी खराब हो गई, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनके दौरान जो आपको कंट्रोलिंग कर, यानी ऑपरेशंस के थ्रू के दौरान जब आप कंट्रोलिंग कर रहे हो तो ऑपरेशनल, और जब मैनेजमेंट कर रहा है तो क्या हो गया आपकी मैनेजर, ठीक है, आई समझ में, ओके। उसके बाद आया फीचर्स, देखो बेस्ड ऑन द प्लानिंग, अगर आपने पढ़ा है आगे पढ़ेंगे भी कि क्या रिलेशनशिप होता है। बिना प्लानिंग के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो कंट्रोल किसको करोगे, पता ही क्या लगेगा आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ जो बैठे हैं और जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव लेस होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेस पर्सन, बोलिए आप स्टूडेंट को छोड़ दीजिए, एक जो पूरे जो इंडिया में जो पर्सन है कितने के ऑब्जेक्टिव है, कितनों ने सेट करके आप यहाँ एमकॉम तक आए बताओ, आपको कितने को पता था, कब पता लगा कि एमकॉम करनी है, आफ्टर बीकॉम पता लगा है ना कि एमकॉम भी होती है या एमकॉम करनी है। टेंथ की तो तब तीन प्रॉब्लम आई आपके पास, आर्ट ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आपने अपने इंटरेस्ट से कुछ नहीं लिया। कभी आप सोच रहे हो कि आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में था तो आपने ली, वो बस एक तुकबाजी थी कि आपने कॉमर्स ले ली, मानना ही मेरी बात। आर्ट ली, हमारे तो यहाँ परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होते हैं कि हम आर्ट लेंगे, 90-80% आए साइंस लेता है। आजकल तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हो गया कि कॉमर्स ले लेता, मेरे को समझ में नहीं आती क्योंकि टेंथ में वो साइंस किसी को समझ नहीं आती तो सोचता है, आर्ट को तो सबसे वीक स्टूडेंट समझा जाता है कि हाँ भाई कल्चर है अपना, कल्चर बता रहा हूँ मैं, मेरा कोई पॉइंट नहीं इसमें कि भाई 60% आए हैं आर्ट ले ले, 60 से नीचे आए तो आर्ट लेंगे, 80 आ रहे हैं तो ले लेते हैं। कोई एक दो बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मेरे साइंस समझ में नहीं आई थी तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, तो कॉमर्स तो आपने शायद उस तरीके से ली होगी अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है तो, है ना, ठीक है, हाँ कि उसने लिए कॉमर्स,
उसने साइंस ली है, अगर वाले भी ये कहते हैं उसके छोरे ने ले ली साइंस या लड़की ने ले ली, हम भी ले, तू भी ले ले। एक और कई के घर में तो ऐसे भी हुआ कि तुमने अपनी मर्जी से कॉमर्स ले ली, को लड़ाई होगी होगी है ना, कि भाई उसके साइंस ले लिया, ठीक है वही होगा ना। तो ये था आपका, मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव अपने आप सेट होते हैं, हम हमारे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, मैंने ये कहा था कि विदाउट ऑब्जेक्टिव हम चल रहे हैं। आदमी बताओ आप कितना टाइम प्लान है आपके पास इस क्लास के अलावा, आप अनप्लान चीज़ें हैं आपकी ना, ठीक है। पहले क्या है, बेस्ड ऑन द प्लानिंग होता है, ये आपका क्या है, आपका प्रिवेंशन और करेक्टिव फंक्शन। देखो कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसे पहले ही ठीक कर दिए, तो ये क्या हुआ आपका प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम वाली आपने अडॉप्ट कर ली। प्रॉब्लम होने के बाद ठीक कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, करेक्टिव फंक्शन। तो ये दोनों ही है, प्रॉब्लम आने से पहले भी ठीक कर लिया जाता है। आपको पता है कि आप जैसे कि मान लो ये फैन खराब हो रखा था, होने वाला था, मुझे आवाज़ आ रही थी इसकी, तो मैंने पहले ठीक करा लिया, तो ये क्या हो गया प्रिवेंशन, रोक दिया मैंने। और टूटने के बाद भी तो ठीक कराना है, तो उसका क्या होगा करेक्टिव। देखो ये दिख रहा है आपको, अभी ठीक ही कराया था दो दिन पहले, तो मतलब क्या प्रिवेंशन, अगर खराब हो जाए तो करेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखिए गोल ओरिएंटेड, गोल है तो कंट्रोलिंग है, विदाउट गोल आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हो। रेगुलेटिंग डिवाइसेस आपको रेगुलेट करता है कि कब क्या कैसे करना है, टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको रेगुलेट करेगा भाई ऐसे ऐसे करना है, पर आपको पहले सोचना होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। कंट्रोलिंग क्या है, एक तो बिगिनिंग भी है और एंड फंक्शन भी है। बिगिनिंग क्यों है, नेक्स्ट प्लान का ये बेस बन जाता है, नेक्स्ट प्लान का बेस बन जाता है। और एंड क्यों है, क्योंकि इसके बाद ये प्लानिंग की प्रोसेस खत्म हो जाती है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, पढ़ी है आपने, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी पढ़ी है आपने, ऑर्गेनाइजिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जब मैनेजमेंट ही पूरी कंटिन्यूस है तो ये तो सारे होंगे अपने आप, ठीक बात है ना ये। तो ये क्या आपके कंटिन्यूस फिर से चल पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रोलिंग इज नॉट नेसेसरी लुकिंग बैक, पीछे भैया पीछे पीछे नहीं देखता, आगे भी देखता है, फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग दोनों होता है। बैकवर्ड लुकिंग पीछे का टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग आगे के लिए आपको क्या करना है। कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई लास्ट टाइम, किस कमियों से हारी वो फाइंड आउट करना बैकवर्ड लुकिंग, और आगे कैसे प्लानिंग करनी है वो क्या होगी आपकी फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। दोनों होता है आपका, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, ये इसको डिफाइन करो मुझे कि कंट्रोलिंग पॉजिटिव कैसे है और कंट्रोलिंग नेगेटिव कैसे है। कंट्रोलिंग नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो एक्टिविटी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही या आपके गोल में कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है उसको कम कर देती है, तो क्या हो गई है नेगेटिव। अननेसेसरी एक्टिविटीज को रिमूव करना क्या हुआ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रिमूव करना कम करना तो हुआ नेगेटिव। और उसके रिगार्डिंग आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, पॉजिटिव चेंज कैसे हो सकता है आपके लिए, क्या क्या नया कर सकते हो, वो आया आपके पास पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी हो गया और आपके लिए क्या हो गया पॉजिटिव भी, ठीक है। कंट्रोलिंग आपका इमोशनल भी है, नहीं नहीं वो नहीं है आपका यहाँ, वो तो डेविएशन फाइंड आउट कर दिया। कंट्रोलिंग किसका कर रहे हो आप, कंट्रोलिंग डेविएशन का कर रहे हो ना, डेविएशन आने की बात हो रही है, कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो, क्या करना है कम ज्यादा, अननेसेसरी को कम करना है, नेगेटिव अच्छी है उसको बढ़ाना है, भाई आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है आपको और कैसे इनकरेज किया जाए, तो ये बढ़ाना हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव। वो जो आप कह रहे हो ना कि डेविएशन है, तो वो तो रिजल्ट आया है उसको ही तो कंट्रोल करना है डेविएशन को, वो तो आया ना, वो तो डेविएशन आया ना पॉजिटिव आपका, उसी को तो कंट्रोल करना है ना, हमें कंट्रोल करना है उस चीज को, मेरी बात समझ रहे हो, कंट्रोल अब उस पर करना है। डेविएशन एक बियॉन्ड द लिमिट आता है ना, वो भी आगे आएगा आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में, वो भी पढ़ेंगे हम कि जो एक रेंज के बाद, मान लो आपने ये सेट कर रखा कि मेरा जो स्कोर है वो 70% आए नेट जेआरएफ में, अब 70 से मान लो आपने एक डेविएशन लेके चलते हैं कि मान लो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी बोल देते हैं उसको, कि 10 तक का मान लो 5-5 का डिफरेंस ही आया कि 65 आ गए और 75 आ गए, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब सब ठीक है। 75% से ज़्यादा है तो क्यों आया इसके रीज़न ढूंढना, 65 से कम आया तो क्यों इसके रीज़न ढूंढना, वो अलग चीज़ है वो जो आप बोल रहे हो, ठीक है आगे पढ़ेंगे वो। ये आपका इमोशनल भी है मोटिवेशनल भी है, कैसे है इमोशनल कैसे है, पढ़ रहे हो आप,
पढ़ रहे हो आप, कंट्रोल आप तभी कर पाओगे जब आप में इमोशंस हैं। ध्यान से सुनना, ह्यूमन बीइंग ही कंट्रोल करनी है, ह्यूमन बीइंग नहीं करनी है। आपके इस तरीके के इमोशंस बन गए कि आपको डैमेज करना है, बहुत सारे लोग होते हैं चोरी करने वाले या वैसे वाले, तो क्या करेंगे वो उसी को नेगेटिवली लेके चलेंगे। आप लोग इमोशनली मतलब आप मोटिवेट हो रहे हो, इमोशनली आप काम कर रहे हो, भाई ये चीज़ गलत हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये गलत है, आप पढ़ रहे हो इमोशनली, आपके इमोशंस पे फ़र्क पड़ा ना। इमोशन का मतलब सिर्फ वो एक इमोशन नहीं होता रोने वाला, इमोशंस का मतलब होता आपकी फीलिंग्स अबाउट समथिंग, किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है, समझ में आई मेरी बात। और इसी से आप क्या होगे, मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही होता है आपका, क्या इमोशनल भी होता है आपका, मोटिवेशन होगा। फीचर्स फिर से सुनो आप, कौन कौन सी पढ़ी आपने, गोल ओरिएंटेड है, और कौन सा होता है, प्लानिंग के बेस पे होता है, करेक्टिव और प्रिवेंशन दोनों है आपका है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों है, उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, इमोशनल और दोनों होता है, और क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ठीक है, ओके। प्रोसेस में भी सबसे पहले पहला स्टेप कंट्रोलिंग का तब स्टार्ट हो जाता है जब प्लानिंग का सेट होता है। मैंने क्या कहा, पहला स्टेप कब स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका प्लानिंग का सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। पहला स्टेप क्या है प्लानिंग का, उसमें ये बात ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, तभी आपने लिख दिया ना कि क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, टेंजिबल ऑब्जेक्टिव्स रख दिया। दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हुआ, टेंजिबल का मतलब तो दिख, जैसे कि आपकी भाई इतने मार्क्स आएंगे, इतनी ये होगा ये हो। इनटेंजिबल कैसे, भाई आपकी मोरल कैसे बूस्ट करना है, मोटिवेट कैसे करना है, दोनों तरीके के आप सेट करते हो। आपको मोटिवेट भी तो रहना है ना, मोटिवेट का कोई लेवल थोड़ी होता कि इतना इतना होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले क्या किया आपने, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स रख दिया, दूसरा आपने मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरे में क्या रखा, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की, तीसरे में कंपैरिजन कर लिया, और कंपेयर करके आपके पास क्या आएगा, डेविएशन। अब डेविएशन के बारे में देखो, तीनों तरीके के होता है आपको, पॉजिटिव आपका नेगेटिव भी और आपका इक्वल भी आ सकता है। इक्वल आया तो कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव आया तो रीजन फाइंड आउट करोगे, बियॉन्ड द लिमिट हमें रीजन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और पॉजिटिव आया तो भी रीजन आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी पर्सन है किसकी वजह से आया है उसको कम्युनिकेट करेंगे, भाई तेरी वजह से आया है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे उसको कम्युनिकेट करेंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इसमें योगदान करेगा आपको, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस ये पर्सन करेक्टिव एक्शन, आई समझ में, प्रोसेस समझ में आई भाई आपको, प्रोसेस समझिए आप। पहली जो प्रोसेस है वो आपकी क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आपने सेट कर दिए, दूसरे पे क्या किया आपने, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की, तीसरे में कंपेयर किया, डेविएशन फाइंड आउट किया, डेविएशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, जो भी कंसर्न पर्सन है उसके साथ हम कॉन्टेक्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे इसमें, हमने ऐसे जो डेविएशन, फिर हमने करेक्टिव अपने एक्शंस ले लिया, डेविएशन ठीक कर लिया, फिर आया रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे ना कि कोई भी दो फंक्शन मैनेजमेंट के हाईली कोरिलेटेड कौन से, तो आप बोलोगे प्लानिंग एंड, ठीक है, और पॉलिसी हाईली कोरिलेटेड किससे होती है, ऑब्जेक्टिव से, और पॉलिसी का एक वर्ड कौन सा है, गाइडेंस, और स्पेसिफिक गाइडेंस आ जाए तो रूल्स हो गए, और आपकी अगर आ जाए सिक्वेंस तो क्या आ जाएगा, सिक्वेंस आ जाए तो शेड्यूल्स आ जाएगा, प्रोसीडर्स आ जाएगा, प्रोसेस आ जाएगी, प्रोसीडर्स आ जाएगा, अगर सिक्वेंस आ जाए तो टाइम शेड्यूल आ जाए तो शेड्यूल ही हो गया, आपको पता ही है टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी, और कंपटीशन वर्ड आ जाए, मार्केट आ जाए तो आप स्ट्रेटजी लिख दोगे, एक एक वर्ड में आपको पता है। वाई का आंसर लेना है तो मिशन, और लॉन्ग टर्म की पोजिशन, फ्यूचर पोजिशन, बस एक एक आंसर, एक एक वर्ड में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी ऐसे याद हो जाएगी आपकी सारी चीज़ देखना। आप बात करी थी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, देखो प्लानिंग आपका लुकिंग बैक फॉरवर्ड है, और जबकि आपका कंट्रोलिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग है, दोनों में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है।
प्लानिंग इज बेस्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड कंट्रोल इज अ बेस फॉर द नेक्स्ट प्लान. प्लानिंग के बेसिस पर आप कंट्रोल कर पाओगे और कंट्रोलिंग के बेस पर नेक्स्ट प्लान बनेगा. ठीक है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, वो आपका लास्ट फंक्शन. कंट्रोलिंग हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना. कंट्रोलिंग क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो जो लोअर स्टाफ है या लोअर लेवल का एम्प्लॉय वो ऊपर करेगा, वो उसे ऊपर करेगा तो अपवर्ड चलेगी, डाउनवर्ड टू अपवर्ड. प्लानिंग ऊपर टॉप मैनेजमेंट ने बनाया, वो नीचे देता चला जाएगा, नीचे आके इम्प्लीमेंट होगी. तो वो प्लानिंग आपकी क्या होती है, मूव कैसे करेगी, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड कंट्रोलिंग डाउनवर्ड टू अपवर्ड. ठीक है, ओके. कंट्रोल की बात की तो देखो, एक होती है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, एक होता है कंकरेंट कंट्रोल, एक होता है आपका फीडबैक कंट्रोल. फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड मतलब कोई भी चीज आने से पहले ठीक कर लिया आपने, तो क्या हो गई आपकी, वो फीड फॉरवर्ड. कंकरेंट, जब कोई प्रॉब्लम आई तब उसको तुरंत ठीक कर लिया तो क्या हो गई आपकी. और फीडबैक का मतलब प्रॉब्लम होने के बाद आपने, ठीक है, आई बात समझ में. अभी इनमें से वो चाहिए ऑपरेशनल में आए, चाहिए आपकी मैनेजरियल है, कोई भी हो सकती है. अब कौन कौन सी आपके पास टेक्निक्स है कंट्रोलिंग की प्रोसेस, आगे क्वेश्चन तो आ जाता है कंट्रोलिंग की प्रोसेस से, है ना. वो दो लाइन तो आई नहीं इसमें कि कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड. अच्छा, ये रह गई क्या, इंटरडिपेंडेंस वाली. हाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी, इंटरडिपेंडेंस कैसे है. प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग. अगर आपने प्लान ही नहीं करोगे, आपको यही नहीं पता कितना क्या करना था, तो किस चीज़ का कंट्रोल. आपने ये नहीं सोचा कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया, तो कितने ही आ जाए, हो रहा है कंट्रोल, कुछ नहीं कंट्रोल. और दूसरा क्या है, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. जब बात क्या है, आपने अभी लिखा प्लानिंग, प्लानिंग कर ली, लेकिन हमने अभी ये पढ़ ली, ब्लाइंड वाली बात पढ़ ली कि आपने कुछ वो नहीं रखा था. कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग मतलब प्लानिंग ही नहीं की तो कंट्रोलिंग का कोई वैल्यू ही नहीं है. और आपने प्लान कर लिया और ये नहीं देखा कि जितना सोचा था उतना आया नहीं है, तो भी कोई वैल्यू नहीं है. तो आपको क्या हुआ कि आपकी प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. तो ये स्टेटमेंट ठीक है दोनों, ठीक है, याद रखेंगे आप, और ये डिफरेंसेस भी याद रखेंगे. ठीक है, कंट्रोल आ गया. उसके बाद आपकी टेक्निक्स की बात करी, तो बजटरी कंट्रोल क्या होता है, हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे इसको. जीरो बेस बस्टिंग अलग से टेक्निक है, ब्रेक इवन पॉइंट अलग से अकाउंटिंग में पढ़ लेंगे. कोई मतलब ये हम टेक्निक के नाम नाम पढ़ रहे हैं बस. स्टैटिस्टिकल डेटा जो आपके पास आएगा, मतलब डेटा से आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे कंट्रोल करना है. कुछ रिपोर्ट्स बनती है, जैसे कमेटीज अपनी रिपोर्ट देती है, इसको स्पेशल रिपोर्ट, किसी पर्टिकुलर पे आएगी ना रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या था, अभी कोई केस हुआ उस पर रिपोर्ट आई थी, आएगी, ये रहा, ये इसी का केस था, ये MDO में फायर हुआ है अभी, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, तो कमेटी रिपोर्ट देगी भाई क्या क्या चीज़ें हैं. तो वो मतलब क्या हुआ कि स्पेशल रिपोर्ट से पता लगेगा कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा. ठीक है, ऐसे हो सकता है आपका एक ऑपरेशनल ऑडिट जाके आप विजिट करके देख सकते हो काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है. पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनली आप ऑब्जर्व कर सकते हो. मॉडर्न में आपकी ZBB, जीरो बेस बस्टिंग, ये पढ़ेंगे हम. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी पढ़ेंगे ये क्या होती है. मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट की ऑडिट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें. मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके. MIS का मतलब होता है कि आप थ्रू इंटरनेट सारा काम कर रहे हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन से रिस्पॉन्सिस करके आप बता रहे हो कि कैसे काम हो रहा है. और आपका पार्ट और CPM, CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, जो आपका किसी भी जगह या किसी भी काम करने को सबसे लॉन्गेस्ट रूट क्या है. आप इसलिए पता करना चाह रहे हो ये रूट कि इसको शॉर्टेस्ट कैसे किया जाएगा. CPM क्रिटिकल पाथ मेथड. और PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक. PERT ये आपका शॉर्टेस्ट रूट लेके चलता है, जो आपका ऑप्टिमाइज रूट होता है कि ये सबसे वो होता है. CPM के थ्रू आप लॉन्गेस्ट को पार्ट निकाल के आप शॉर्ट टर्म पे लेके आते हो. ठीक है, चलो ये भी एक टेक्निक है. आप अपने में नहीं है, OR में है, इनके में है. ठीक है, सोशल ऑडिट, बोन ने एक टेक्निक दी थी सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन, वो सोसाइटी के लिए कितना खर्च कर रही है, उसकी ऑडिट हो गया. ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फिर पढ़ाएंगे आपको उसमें अकाउंटिंग में. तो ये थी आपकी ऑल अबाउट मैनेजमेंट, तो आपको समझ में आया होगा. हाँ, ये बात रह गई आपके पास.
देखो हाँ, ये देखो आपका ना मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन क्या होता है, ये बीटेल ने तो कंसेप्ट दिया है। अब आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मिलेगा FWTL, और भी कोई नाम मिल जाए, कोई ड्रकर मिल जाए, कोई कुछ मिलेगा, लेकिन किसने दिए? बीटेल ने। मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। एक और देख लो, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। देखो ये क्या है आपका, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब होता है कि उन एक्टिविटीज पर फोकस करना जिनकी वजह से आपका मैनेजमेंट फेल हो सकता है या आपका रिजल्ट आपका डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल आपके पूरे 10-12 सब्जेक्ट हैं, सबसे बड़े की सब्जेक्ट कौन से, उनको ज़्यादा पढ़े आप, तो क्या आएगा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में। अब ये ऊपर वाली बात देखो, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, मैंने अभी बताया कि आपका स्टैंडर्ड 70 का था, आपने ऊपर रख दिया कि 75 और नीचे लिमिट रखी 75। ये आपके जो 10 का है ये आपका एक्सेप्शन में आ गया। एक्सेप्शन का मतलब 5 ऊपर चला जाए डेविएशन, 5 नीचे आ जाए, हमें कोई भी कंट्रोल करने की या कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम एक्शन कब लेंगे? हम एक्शन तब लेंगे जब हमारा स्कोर 75 प्लस चला जाएगा, 65 नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गई? तो ये था आपका मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। और भी कुछ रहा, ये अलग पार्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ये फिर पढ़ाएंगे।